देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। मऊ जनपद की नगर पंचायत में स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन रविवार को देर शाम तक चलता रहा। सम्मेलन की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष दुर्गे विजय राय ने की। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वन एवं पर्यावरण कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान कहा कि केंद्र की सरकार पुनः बीजेपी की ही बनेगी, इसे कोई रोक नहीं सकेगा। 2014 में भाजपा लहर का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार उससे अधिक लहर है जो उस चुनाव में दिख रही है। एक मोदी को हराने के लिए सारे देश की पार्टियां गठबंधन कर ली है, लेकिन तब भी सरकार भाजपा की ही बनेगी। वहीं पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष राम प्रवेश राजभर को मंच पर उचित सम्मान न मिलने से कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए सम्मेलन से बाहर चले गए, जबकि पिछड़ा वर्ग समाज के भारी संख्या में लोग सम्मेलन में शरीक होने के लिए आए थे। जिलाध्यक्ष दुर्गे विजय राय के खिलाफ कार्यकर्ता देर तक नारेबाजी करते रहे। संबंध में राम प्रवेश राजभर ने जिलाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग ने बताया कि सारी व्यवस्था हमारे तरफ से की गई थी, लेकिन जिलाध्यक्ष ने मनमानी कर सम्मेलन की व्यवस्था खराब कर दी। वही कैबिनेट मंत्री दारा सिंह ने पत्रकारों के सवाल पर बताया कि घोसी संसदीय क्षेत्र के जो भी प्रत्याशी आएगा हम लोग साथ होंगे, हम लोग पुनः केंद्र में सरकार बनाएंगे और इसलिए बाहरी भीतरी की लड़ाई से आप दूर रहकर भाजपा को वोट दें। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष राधेश्याम सिंह, भरत भैया, अभिषेक सिंह, अशोक राजभर, पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय सचिव विनोद यादव आदि लोग मौजूद रहे। मऊ से संवाददाता जगदीश सिंह की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।